बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। दोस्तों आज ईद का दिन है और ईद का दिन आप सबको पता है कि ईद बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आती है और जितने भी मुस्लिम लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन तमाम दोस्तों को ईद उल अज़हा की ढेर ढेर खुशियों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद। ईद का दिन आप तमाम दोस्तों को पता है कितना ही मसरूफ दिन होता है और इसी तरह हम भी आज ईद के दिन बहुत ज्यादा मसरूफ है। तो मैं अपने शहर से, एक बाग है हमारे शहर के अंदर, तो वहां से गुजर रहा था तो सोचा चलो यहाँ का थोड़ा सा व्यू भी दिखा देता हूँ आपको, फिर थोड़ा सा आगे हाल वाल भी करते हैं। कुर्बानी का जो गोश्त वगैरह गरीबों के अंदर तकसीम किया जाता है और कुर्बानी की जाती है, जानवर की कुर्बानी की जाती है, बेसिकली मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हर गरीब तक ईद वाले दिन गोश्त पहुंच जाए। साल में एक ऐसा दिन होना चाहिए जिसके अंदर हर गरीब तक गोश्त पहुंच जाए जो वो खरीद नहीं सकता। तो फिलहाल बाग के अंदर आए हुए हैं, बाग के अंदर आम भी लगे हुए हैं, ये आम लगे हुए हैं फिलहाल, ये देखें कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं आम। अब ये नस्ल कौन सी है ये तो मुझे पता नहीं है। लाल बादशाह, बंदा पीछे से जा रहा है उसने कहा है कि ये लाल बादशाह है जी, लाल बादशाह की नस्ल है, ठीक है ना। और इस तरह के बहुत से अभी आम मतलब ठहरे हुए हैं, ये देखिए भरा पड़ा है। अच्छा मजे की बात ये कि ये आम का जो पौधा है ना इतना बड़ा नहीं है लेकिन ये जमीन तक आम गए हुए हैं इसके, और जमीन पर आम जाने की वजह से ये फुल झुका हुआ है, ठीक है ना। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। जी दोस्तों ये पीछे खजूर का दरख्त है, खजूर का दरख्त है पीछे, और ये जो है ना बड़ी मतलब बेहतरीन खजूर लगी हुई है लेकिन अभी तैयार हो रही है, प्रोसेस के अंदर है। और ये साथ ही छोटे छोटे पौधे भी उगाए गए हैं आम के, ताकि आगे जो है ना लगाए जा सकें और अगले साल या उससे अगले साल दो तीन साल जो लगते हैं उसके बाद ये तैयार होकर ये भी आम के दरख्त बन जाएंगे और आप तक पहुंचेंगे। दोस्तों ये फालसे के पौधे हैं और इनके ऊपर फालसा तोड़ लिया गया है इस टाइम, तो ये खाली हुए पड़े हैं, वरना जो है ना ये भरे पड़े होते फालसे के साथ। आप फालसे का सीजन वैसे अभी ऑफ हो गया है, तो आप लोग कह रहे सोच रहे होंगे यार ईद का दिन है और ये शख्स बाग दिखा रहा है, तो बाग से गुजर रहा था तो इसलिए क्या मैंने कहा सोचा कि आपको बाग भी दिखा दें, उसके बाद फिर कुर्बानी की तरफ भी चलते हैं, ईद के हाल अहवाल भी करते हैं थोड़े से। ये हमारी जबान के अंदर इसे मिठड़ी बोला जाता है, मिठड़ी, तो आपकी जबान में क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। तो ये मतलब खट्टी मिठी होती है, बड़े मजेदार होती है। इसका भी माल मतलब बाग तैयार हो चुका है, ये बस अभी इसे काटना शुरू करेंगे, तो ये पौधे भी तैयार है। ये जी इसी बाग का आम तैयार हो चुका है और उसके बाद जो है ना ये भाई बेच रहा है बाग के बाहर बैठ कर। ये रेड़ी बाग के बाहर ठहरी हुई है, इससे जूस पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। वैसे ये ईद क्या, जो भी ईद हो बच्चों की ईद होती है हमेशा, तो यहाँ पर भी जो है ना बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
इसी तरह ईद वाले दिन नान भाई की दुकानों पे भी बहुत रश देखने को मिलता है। हमने जो है ना सबसे पहले सुबह सुबह बकरा जीवा किया था और उसके बाद फिर बड़े का गोश्त बनवाया था, ठीक है ना। तो बड़े का गोश्त जो है बनाने के बाद तकसीम कर दिया था, मेरी वालदा ने बकरे का कढ़ाई बनाई है मतलब, और उसके बाद जो है ना माशाल्लाह शामी कबाब भी तैयार हो चुके हैं, पुलाव तैयार हो रहा है। तो उसके बाद जो है ना आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि आज के दिन जो है ना बहुत ज्यादा खिदमत भी होती है, वालदा को जो चीज बोली जाए वो चीज पका के भी देती है वालदा, तो मतलब बहुत अच्छा दिन गुजरता है। और तकरीबन जितने भी लोग हैं उनका जो है ना अच्छा दिन गुजरता है, क्योंकि वो सारा साल अगर बकरे का गोश्त नहीं खा सकते, बहुत महंगा होता है, तो फिर जो है ना ईद के दिनों में वो भी खा लेते हैं। तो बहरहाल खाना खाते हैं, आपको दिखाते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों राइस और कबाब तैयार हो चुके हैं, तो ये खाते हैं, उसके बाद सीखी कबाब भी तैयार हो रहे हैं और भी बहुत कुछ। तो इस तरह की मतलब पार्टियां चलती रहेंगी ईद के ऊपर, तो ईद की ढेरों खुशियां मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को मुबारक हो। तो चावल खाते हैं हम, तो आप भी अपने घरों में खाएं पिए इंजॉय करें। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, जब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।